हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एविएटर मोहम्मद गुलाम गौस। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको मिलेगी यहाँ पे हमेशा अपडेटेड एंड नॉलेजेबल वीडियोस। फाइनली गुड न्यूज़ आ ही गई कोलकाता एयरपोर्ट से। अब इंतजार हुआ ख़त्म। कोलकाता एयरपोर्ट से अब सारी सस्पेंडेड फ्लाइट शुरू होंगी 1 सितंबर से। आप सभी को पता है कि लंबे समय से कोलकाता एयरपोर्ट पर देश के इन 6 राज्यों यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद से फ्लाइटें टोटली सस्पेंड थी, कैंसिल थी। मगर 26 अगस्त को वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी ने अनाउंस करके बताया कि 1 सितंबर से सप्ते में 3 दिन सारी फ्लाइटें अब शुरू हो जाएंगी। मगर डेज कौन कौन सी होंगी ये नहीं बताया था। तो आज 28 अगस्त को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके ये डेज भी बता दिया कि सितंबर के 1st और 2nd वीक में ये सारी सस्पेंडेड फ्लाइट ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे यानी मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेंगी। बाकी 3rd और 4th वीक के डेज अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, तो बाकी के डेज जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने ये भी बताया था कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में अब लॉकडाउन बढ़ के 20 सितंबर तक हो गया है और 7 सितंबर, 11 एंड 12 सितंबर को कोलकाता वेस्ट बंगाल में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। आज 28 अगस्त को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके ये बात भी क्लियर कर दी कि इन कम्प्लीट लॉकडाउन के दिनों में कोलकाता एयरपोर्ट पर सारी पैसेंजर फ्लाइट कैंसिल रहेंगी। कोलकाता एयरपोर्ट के साथ साथ बागडोगरा एयरपोर्ट ने भी इन कम्प्लीट लॉकडाउन के दिन सारी फ्लाइटें कैंसिल रहेंगी। अब खबर वंदे भारत मिशन फेज 6 की। तो वंदे भारत मिशन फेज 6 के तहत इंडिया से वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइटें चलाई जा रही हैं, जिनमें से कुछ फ्लाइट शेड्यूल आपके स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।